welcome back to my channel. How are you all? Hope you all are doing great. और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियाँ हैं, उन सब को दूर फरमा दें, अपने ख़ास रहम हम पे फरमाएँ. आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन. आज है फ्राइडे और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और अभी बज रहे हैं 9:50. और फ्राइडे जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा ही फेवरेट दिन होता है. और नाश्ते में जो मैं बना रही हूँ वो है चिकन के कबाब, और ये ऑलमोस्ट ही मेरे फ्रिज में होते ही हैं. यू नो, ये सभी के घर में होते ही होंगे, सब बहुत ही अच्छे से इसे बनाना भी जानते होंगे. तो फ्यूचर में इंशाअल्लाह जिस तरह से मैं बनाती हूँ, जो मेरा मेथड है, वो मैं आप लोगों से फिर इसका शेयर भी करूँगी. और हमेशा ही मेरे फ्रिज में ये बीफ के हो या चिकन के, ये रखे ही होते हैं, क्योंकि मेरे हबी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है. उनको कबाब, बारबेक्यूज़, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो बस उनके लिए मैं कर रही होती हूँ. और साथ में हम ब्रेकफास्ट में लेंगे, सबको ही पता है, सॉसेजेस, क्योंकि इसके बिना तो हमारा ब्रेकफास्ट अधूरा होता है. और फरमान को दे दूँगी मैं ब्लैक टी साथ में, और मैं ले लूँगी एप्पल जूस. और मुझे वैसे ऑरेंज जूस पीना था, मगर ऑरेंज जूस घर में फिनिश हो गया था, तो अब मुझे एप्पल जूस से ही काम चलाना होगा. और साथ में वही ब्राउन ब्रेड लेंगे. कर दीजिएगा कि मैं आप लोगों को फ्राइडे की मुबारकबाद नहीं दी, तो अभी देती हूँ आप सबको बहुत जमा मुबारक. और ये वैसे तो जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो फ्राइडे जा चुका होगा, मगर फिर भी मैं इसे ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि फ्राइडे का जो दिन है वो सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन दिन है और दिनों से, तो इसके लिए मैंने इसे ज़रूरी समझा. और अल्लाह पाक ने हमें एक और फ्राइडे दिखाया, इसका हमें बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए. और अगर मैं इसे दूसरी तरह से कहूँ, तो आज के दिन मैं सुबह बहुत ही ज़्यादा खुशी उठती हूँ और बहुत ही एक अच्छे मूड के साथ, क्योंकि वैसे भी आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाबरकत होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्पेशल डे होता है. तो ये है, और प्लस फरमान और मुझे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है. और अल्हम्दुलिल्लाह अब मोहम्मद हसन भी हैं, तो हमारी पूरी यही कोशिश होती है कि इन टू डेज, फ्राइडे और सैटरडे, हम तीनों ही अपने लिए ही स्पेंड करें, किसी किस्म के और काम ना करें, एक दूसरे को ही हम लोग टाइम दें, क्योंकि पूरे जो वीक होता है, फरमान के ऑफिस के काम होते हैं और मेरे घर के, तो हम अपने मासूम के लिए भी उस तरह से टाइम नहीं निकाल पा रहे होते हैं, तो इस वजह से बस हमारी पूरी कोशिश होती है. और मैं इन टू डेज में एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपना फोकस अपनी फैमिली पर रखना चाहती हूँ. सेकंड बात ये भी है कि मुझे इन टू डेज में आराम भी करना चाहिए.
हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। हम फ्राइडे और सैटरडे ऐसे ही करते हैं एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट, वरना पूरे वीक हमें ऐसे मिल ही नहीं रहा होता है। और आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में भी ये बात में भी नोटिस की होगी कि मैं थोड़ा सा जो भी खाना खाती हूँ हमारी फैमिली, जो भी मैं उनके लिए करती हूँ, तो मैं थोड़े से अहतमाम के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फरमान को भी बहुत ही अच्छा फील करवाऊँ, और जो भी मैं खाना बना रही हूँ, जिस तरह से मैं सर्व कर रही हूँ, खाने की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और जिस तरह से मैं खाना सर्व कर रही हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से हो, तो मैं शुरू से ही इस तरह से करती हूँ। और अब तो मैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गई हूँ, बिकॉज़ मेरा जो बेटू है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ग्रो कर रहा है और लिटरली वो सीख रहा है। मैं अपने बेटू को मैंने पहले भी आप लोगों से किसी ब्लॉग में शेयर किया है कि मैं अपने बेटू को ऐसी तरबियत देना चाहती हूँ अपने घर के माहौल से भी, कि मेरे घर में किस किस्म का माहौल है, हम किस तरह से बैठते हैं, हम किस तरह से उठते हैं। मैं उसकी इन्हीं चीज़ों से इतनी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ कि वो सीखे, और वो लर्न भी कर रहा है। सीरियसली वो बहुत अच्छे से सीख रहा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरा सारा फोकस ये होता है कि मैं और फरमान कुछ भी करें तो हमारा बेटा हमसे सीख रहा है, तो हमें और भी अपने आप को बेहतर, और यूँ कह लें कि बेहतरीन बनाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे के जहन पे जो कुछ आप डालोगे वो वैसे वैसे ही लर्न करेगा। और जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कुछ सीख रहा होता है। और जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्या लहजा होता है हमारा, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सब सीख रहा होता है। और हम दोनों का फोकस भी इसी पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही इन सारी चीज़ों को लेके वारिड हूँ, नहीं, फरमान भी बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को करते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखते हैं अपना। मैं एक छोटी सी बात भी आपसे शेयर करूंगी, बहुत ही छोटी सी है, बट आप बिलीव करें, कुछ डेज पहले फरमान ने मुझसे बॉयल एग्स मांगे। रात हो रही थी, मैंने उनको बॉयल करके दिए एग्स और मैंने उनको दे दिए। वो लाउंज में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, ये उनके साथ ही था। मैंने फरमान को दिया तो मुझसे थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा उस पर कम था, तो फरमान ने मुझसे और भी मांगा। मैंने उनको सॉल्ट थोड़ा सा और दे के और मैं रूम में चली गई किसी काम से। जब फरमान ने उसे फिनिश किया, तो फरमान की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो जो कुछ भी खा रहे होते हैं वो अपनी प्लेट या अपनी ट्रे जो भी होता है वो किचन तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो ये भी इतनी छोटी सी बात है, तो ये भी मेरा बेटू सीखता है। और फरमान के जहन से निकल गया और वो जो सॉल्ट मैंने उनको दिया था वो इधर ही लाउंज में रह गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं निकली तो मैं भी नहीं देख पाई और मैं डायरेक्ट किचन में चली गई। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मोहम्मद हसन आते हैं और मुझसे अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही जो भी उसको आता है उस तरह से मुझे समझाते हुए कहते हैं कि मामा ये बाहर रह गया था तो मैं किचन में ले आया,
सीरियसली ये इतना मुझे अच्छा लगा था और ये उससे खेल भी सकता था क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, मगर वो देखता है ये सारी चीज़ें उसके डैडी और मामा क्या करते हैं, तो ये है। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा नॉटी नहीं है, बस हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद हसन को हम एक बहुत अच्छा इंसान बनाएं। अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा बेटू दिया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसको एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत अच्छा इंसान बनाएं। तो बाकी अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक गफूर रहीम है, अल्लाह पाक बेहतरीन फ़ैसले करने वाले हैं, बस हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है। बना रही हूँ पॉकेट समोसास पोटैटो के, क्योंकि ये मेरे बेटू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो मांग रहे थे। मैंने आप लोगों के साथ पीछे शेयर भी किया अभी कि मैं इस तरह के जो भी काम होते हैं, जो इतने टाइम टेकिंग होते हैं, मैं वो वीकेंड में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अपना फोकस, अपना टाइम अपनी फैमिली को ही देती हूँ। तो मगर यहाँ पे ये था कि मेरा बेटू मुझसे ये मांग रहे थे, तो इस वजह से मुझे उनके लिए ये पॉकेट समोसास बनाना पड़ा। और मैंने थोड़ा सा इन्हें शूट भी कर लिया कि मैं किस तरह से बना रही होती हूँ, और सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। और वन बाइट ये समोसास होते हैं, मोहम्मद हसन बहुत शौक से खा रहे होते हैं और फरमान भी, मुझे भी पसंद है। कुछ टाइम के लिए मैंने और फरमान ने इन्हें छोड़ दिया था जब हम एक डाइट पर थे, बट अब हम फिर से इसे खाना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि अभी भी हम हैं डाइट पर, बट एक एप्पल डाइट नहीं कर रहे। सो अब हम इसे एयर फ्रायर में बना लेते हैं। गई है शाम और हम आ गए हैं रिजर्व पार्क, और हमने लंच नहीं लिया। हमेशा की तरह हम लंच को स्किप कर देते हैं क्योंकि हम जो डिनर है वो थोड़ा सा जल्दी लेते हैं इस वजह से। तो हम बस इस पार्क आए हैं और ये हम तीनों का ही मोस्ट फेवरेट पार्क है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम अक्सर इधर आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आना। जो वीडियो है उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना चाह रही हूँ, और साथ ही ये भी है कि मैं अपनी जो वीडियो है उसे लेंदी नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो ये वजह है।
और जब हम यहाँ पर आते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल होता है, जैसे कि पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ आ रहे होते हैं और घर से फूड बना के लेकर आ रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, कहवा पी रहे होते हैं, नहना चाय पी रहे होते हैं। नहना चाय जो है वो यहाँ की एक मिंट टी है, बहुत ही फेमस, वो पी रहे होते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, हम घर से कुछ बना के नहीं लेकर आए, तो हमने यहाँ से अपने लिए, मैंने बाय किया चाइनीज़ और फिर माँ ने अपने लिए लिया शवरमा। तो अब हम इसे इंजॉय कर रहे हैं और सच्ची में कभी कभार ऐसा भी अच्छा लग रहा होता है कि घर से बाहर और वो भी कुछ इस तरह के माहौल में, तो अच्छा लगता है। और किन किन लोगों को अच्छा लगता है ज़रूर मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। इस तरह से खाना खाना और हमने काफ़ी टाइम बाद इस तरह से प्लान किया है। और जो फूड है वो भी बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम बहुत मज़े की जो ये मील है इसे इंजॉय कर रहे हैं। मैं फरमान को कंटिन्यूसली इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ भी खाएं, क्योंकि मैं इतना सारा नहीं खा सकती हूँ और गरम गरम भी है तो आपको भी अच्छा लगेगा। और मोहम्मद हसन जो है वो इस टाइम सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुबह से बिल्कुल भी नाप नहीं ली थी, तो मैंने उनको उन्हीं की प्राम में सुला दिया था बहुत अच्छे से, ताकि अभी बस वो थोड़ी सी नैप ले ले तो वो फिर और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकेगा। मैंने ताइफ में बहुत से चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाया है, मगर मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर कोई ट्राई करना चाहे, क्योंकि सबको ही वैसे तो पता होगा रुदुफ पार्क का, मगर अगर कोई इंटरेस्टेड हो और चाइनीज़ खाना खाना चाह रहे हो और इधर आए हुए भी हो, तो ज़रूर ट्राई करेगा, सीरियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं फरमान को मोहम्मद हसन की ये बात बता रही थी कि आप जब सुबह नमाज़ के लिए रेडी हो रहे थे, शहर आपने लिया और फिर आप जब नमाज़ पढ़ने चले गए तो मोहम्मद हसन उठे हुए थे, वो देख रहे थे, तो वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मामा मैं भी शहर लूँगा, मेरे भी कपड़े चेंज करवाएं और मैं भी आउटसाइड जाऊँगा। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैंने वैसे ही किया, मैंने उसको भी शार दिया और कपड़े चेंज करवाए और अपने साथ ही नमाज़ के लिए खड़ा कर दिया। तो फिर उसको अच्छा लग रहा था तो मुझसे कहता है कि मैं आउटसाइड क्यों नहीं जा सकता, तो मैंने उसको कहा कि आप अभी बहुत छोटे हो, डैडी आएंगे फिर आपको लेके जाएंगे। तो फरमान फिर हंस रहे थे। ये
जो अभी आप देख रहे हैं सामने फंजीर, ये एक कैफ़े है और यहाँ के जो कॉफ़ीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और मैं जब भी रुतुफ आती हूँ या मैं फंदीर को देखती हूँ या मैं फंदीर से कॉफ़ी लेती हूँ तो मुझे अपनी मामा की बहुत याद आती है, क्योंकि वो रुतुफ भी आ चुकी हैं और फंदीर की कॉफ़ी भी पी चुकी हैं। और अभी तो मैंने कॉफ़ी नहीं ली क्योंकि मैं खाने के फौरन बाद नहीं लेती, थोड़े टाइम के बाद ही लेती हूँ। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा हो और मुझे सब पता चल रहा होता है कि कौन कौन सी कंट्री से मुझे लोग देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं और मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। इंशाअल्लाह मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।